कम्युनिकेशन वाले पार्ट में आज बात करेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। देखो, हमने वायरलेस कम्युनिकेशन को पढ़ा था, आज सैटेलाइट्स की बात करेंगे कि नेचुरल सैटेलाइट्स से हट करके जो हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं, जो इंसानों के द्वारा निर्मित हैं और ये हम ही इनको यहाँ से लॉन्च करके स्पेस में भेजते हैं, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स किस तरह से हमारी हेल्प करती हैं कम्युनिकेशन के अंदर। तो ये टॉपिक डेडिकेटेड है सैटेलाइट कम्युनिकेशन को। सबसे पहली बात जो हमारी एनसीईआरटी की बुक पे लिखी है, दैट इज टुडे इंटरनेट इज द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क ऑन द प्लेनेट, कनेक्टिंग अबाउट 1,000 मिलियन पीपल इन मोर देन 100 कंट्रीज। दुनिया का जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है वो है इंटरनेट। इंटरनेट ने जितने दुनिया को जोड़ के रखा हुआ है, उससे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क दुनिया में आज नहीं है। सबसे जो बड़ा साइज है ना किसी कम्युनिकेशन के नेटवर्क का, वो है इंटरनेट। कितना है? लगभग 1,000 मिलियन लोगों को इसने जोड़ के रखा हुआ है, लगभग 100 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर। यानी इतना बड़ा जो नेटवर्क है वो किसका है? सिर्फ इंटरनेट का है। बाकी रेडियो, टेलीविजन और वायर्ड कम्युनिकेशन, इन इसने कम लोगों को जोड़ा हुआ है, बट सबसे जो बड़ा जो साम्राज्य है वो किसका है? वो है इंटरनेट का, साइबर स्पेस का। सेकेंड पॉइंट इसमें जो लिखा है, दैट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कनेक्ट द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब, दिस हैज रेंडर्ड द यूनिट कॉस्ट एंड टाइम ऑफ कम्युनिकेशन वेरिएंट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड हैज ब्रॉट डाउन द कॉस्ट। देखो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या करते हैं, हमारी अर्थ के जो रिमोटेस्ट कॉर्नर्स हैं, जो दूर दराज के इलाके भी हैं जहां पर वायर्स को बिछाना इम्पॉसिबल था या फिर बहुत ज्यादा कॉस्टली था, बहुत डिफिकल्ट था, ये उन रिमोटेस्ट कॉर्नर्स को भी आपस में कनेक्ट करता है जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। सैटेलाइट्स क्या होती हैं? आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको स्पेस के अंदर लॉन्च किया जाता है। फिर ये बड़ी हाइट के ऊपर से क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हाइट्स हाइट के ऊपर से डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। इस तरह से ये दुनिया के हर एक पार्ट को आपस में कनेक्ट कर देती हैं कम्युनिकेशन के लिए। इस सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बाद जो तारे बिछाने का जो खर्च था उसमें भारी कमी आई है, पहली बात। दूसरी बात, जिस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में बहुत टाइम लगता था, जैसे दूर दराज के इलाकों में पहुंचना इम्पॉसिबल था, लगभग वहां तक इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी, तो इस लॉन्ग डिस्टेंस इंफॉर्मेशन के ट्रेवल को भी इसने बहुत रिड्यूस किया है। नैनो सेकंड्स के अंदर आप दुनिया के किसी भी कोने में इंफॉर्मेशन को आज भेज सकते हो विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और साथ साथ में इस पर जो कॉस्ट लगती है, इस पर जो पैसा खर्च होता है, उसमें भी भारी कमी आई है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, एक बहुत बड़ी रिवोल्यूशन थी कम्युनिकेशन के फील्ड में। ठीक है, नंबर 3 पर जो इसका पॉइंट है, दैट इज इंडिया हैज ऑल्सो मेड ग्रेट स्ट्राइड्स इन सैटेलाइट डेवलपमेंट। हमारे अपने देश की बात हो रही है, ठीक है, हमारे इंडिया ने भी, हमारा जो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम है, दैट इज इसरो जिसको हम कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने बहुत सारी सैटेलाइट्स को अपने तरीके से डेवलप करके स्पेस में लॉन्च कर दिया है और अभी भी इसके ऊपर कंटिन्यू काम चल रहा है। हम हर साल अपने स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के तहत बहुत सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। ये अलग अलग फील्ड्स में हमारी हेल्प करती हैं, एजुकेशन में, कम्युनिकेशन में, इंटेलिजेंस में, उसके बाद जीपीएस में, सर्वेइंग में, हर एक फील्ड में हमारी सैटेलाइट्स हमारा हेल्प करती हैं। पहले हम सैटेलाइट्स के लॉन्चिंग के लिए दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड होते थे। हमारे साइंटिस्ट्स की मेहनत के चलते ये होम बेस्ड लॉन्चिंग, ये डोमेस्टिक लॉन्चिंग पॉसिबल हो पाई है। तो इंडिया भी हर साल अपनी बहुत सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर देता है स्पेस के अंदर, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। उसके बाद लिखा है, आर्यभट्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन 19 अप्रैल 1979, भास्कर वन इन 1979 एंड रोहिणी इन 1980। देखो, जो सबसे पहली सैटेलाइट हमने लॉन्च की थी इंडिया से, भारत की जो अपनी सैटेलाइट्स थी, उनमें सबसे पहले नाम आता है आर्यभट्ट का, उसके बाद भास्कर वन का, और उसके बाद रोहिणी का। ठीक है, ये कुछ फेमस सैटेलाइट्स हैं जो सबसे पहले इंडिया ने लॉन्च की थी स्पेस के अंदर। देखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इसमें, ऑन 18 जून 1981 एप्पल, इसकी फुल फॉर्म है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। देखो, सीबीएसई में जो सिंगल जो 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं ना लास्ट में, फाइनल पेपर के अंदर, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभार पूछे जाते हैं कि एप्पल की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखनी है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, एप्पल की ये फुल फॉर्म है। और सबसे लास्ट का पॉइंट है इस टॉपिक के अंदर, भास्कर चैलेंजर एंड इनसेट 1B हैव मेड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन टीवी रेडियो वेरी इफेक्टिव इन इंडिया।
देखो ये तीन सैटेलाइट्स हैं जिसने लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है, बहुत ज्यादा उसमें हेल्प की है। कौन कौन से तीन है ये? भास्कर, चैलेंजर और इनसेट 1B। ये सैटेलाइट्स हैं जिनने लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा इजी और कंफर्टेबल बना दिया लॉन्चिंग के बाद। तो ये हमारा टॉपिक था सैटेलाइट कम्युनिकेशन का। इसमें मैंने आपको तीन चार चीजें बताई हैं कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन या फिर जो इंटरनेट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का वेब है। दुनिया को सबसे ज्यादा किस मेथड से जोड़ा गया है? इंटरनेट कम्युनिकेशन से या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन की हेल्प से। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पूरे ग्लोब के रिमोटेस्ट कॉर्नर्स को भी आपस में कनेक्ट करते हैं, और इनके डेवलपमेंट के बाद जो कॉस्ट है वो भी कम हुई है, जो टाइम कंज्यूम होता था इंफॉर्मेशन को कैरी करने में वो भी रिड्यूस हुआ है, और इसके साथ साथ एक्सेसिबिलिटी को भी पॉसिबल बनाया गया है। हर एक एरिया को आपस में कनेक्ट कर दिया गया। उसके बाद हमारा इंडिया भी इस काम में कम नहीं है। हमारी जो इसरो है वो हर साल कई सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजती है, और इसके साथ हमारे हर एक फील्ड में बहुत हेल्प मिलती है हमें, ठीक है, इंटेलिजेंस में, एजुकेशन में, कम्युनिकेशन में, डिफेंस में, हर तरह से। इसके साथ साथ बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जिनको इंडिया ने स्टार्टिंग में लॉन्च किया, उसके बाद फिर कुछ सैटेलाइट्स लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को काफी ज्यादा कंफर्टेबल बनाती हैं, काफी ज्यादा इजी बनाती हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। कोई दिक्कत अगर आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लास्ट टॉपिक में बात करेंगे इंटरनेट की और साइबर स्पेस की।